हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे घी और उसके साथ प्रयोग किए जाने वाले विरुद्ध आहार के बारे में। देखिए, देशी घी की यदि बात की जाए और खासकर यदि हम उसमें बात करें गाय के घी की, क्योंकि घी हमारे जीवन का एक बहुत अमूल्य हिस्सा है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा दिमाग है उसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका प्रयोग होता है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, त्वचा की चमक के लिए, सुंदरता के लिए, आपको लंबे समय तक युवा और जवां बनाए रखने के लिए घी की आवश्यकता होती है। इसलिए देशी घी और खासकर यदि आप गाय के देशी घी का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर के लिए एक वरदान से कम नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप घी का पूरा फायदा उठाएं, उससे मिलने वाले सारे जो एसेंशियल विटामिंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपको सही ढंग से मिले, तो कुछ नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो घी आपके लिए वरदान हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि घी के साथ किन चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ है और बहुत प्रसिद्ध है कि लोग कहते हैं कि घी और शहद का सेवन एक साथ जहर बन जाता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि घी और शहद का प्रयोग कभी कभी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। तो बस इस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घी और शहद की मात्रा समान नहीं होनी चाहिए। कभी कभी असमान मात्रा, अर्थात 2 चम्मच देशी घी और 1 चम्मच शहद का प्रयोग कर सकते हैं, वो नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन यदि आप दोनों का सेवन समान मात्रा में करते हैं तो ये जहर के समान हमारे शरीर में नुकसान देता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है घी और रोटी। अब आप इस बात को सुनकर बिल्कुल चकित हो गए होंगे, क्योंकि हम सभी के घर में रोटियों के ऊपर घी चिपड़ा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप रोटी के ऊपर घी को लगाते हैं तो ये जो इसके ऊपर की सतह होती है इसको हार्ड बना देती है और ये पाचन में दिक्कत देती है। यदि आपको घी खाना है तो आप गर्म सब्जियों में या दाल में इसे 1 चम्मच डाल लें, और सूखी रोटी के साथ यदि आप इसका सेवन करते हैं तो रोटी आसानी से पचेगी, आपका भोजन आसानी से पचेगा और घी का आप बिल्कुल सही ढंग से उपयोग कर पाएंगे और ये आपके शरीर के लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो है घी और ठंडी चीज़ें। कभी भूल कर भी घी और ठंडी चीज़ों का सेवन एक साथ ना करें। घी का सेवन सदैव गर्म चीज़ों जैसे गर्म दाल, गर्म सब्जी इत्यादि के साथ करें, या गर्म पेय पदार्थ जैसे सूप वगैरह में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप ठंडी चीज़ों के साथ इसको मिलाकर नहीं लें। ये बिल्कुल तासीर जो कि घी की जो होती है वो गर्म होती है, और 2 अलग तासीर वाली चीज़ों को इस तरह से यदि आप मिलाकर खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगी। तो कोशिश करें घी और घी से बनी चीज़ों को खाने के साथ आप ठंडी चीज़ों का सेवन कभी भी ना करें। इसके अलावा घी और मछली। देखिए, घी और मछली बिल्कुल विरुद्ध आहार है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, अगर हम रीज़न की बात करें तो मछली में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। अब जब इतना अच्छा आप एक फैट को प्रयोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में और साथ ही साथ आप दूसरे तरह के फैट को जिसमें अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यदि आप उनको एक साथ लेंगे तो आप दोनों के फायदे कभी भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए यदि आपको सेवन करना है तो घी का सेवन मछली के साथ कभी ना करें। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो हमें अनेक प्रकार के कैंसर से भी बचाता है, और यदि आप घी और मछली का सेवन एक साथ करते हैं तो ये एक तो पाचन में नुकसानदेह होता है और दोनों ही प्रकार के जो फैटी एसिड्स हैं उनका सही ढंग से आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें विरुद्ध आहार की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि घी, देशी घी
और किसी दूसरे प्रकार के तेल या घी को मिलाकर प्रयोग करना जहर समान है। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि डालडा घी और देशी घी को मिलाकर कोई चीज बनाने लगते हैं, या किसी और तेल के साथ देशी घी को मिलाकर प्रयोग करते हैं। बिल्कुल विरुद्ध आहार है। कभी भूल कर भी ना करें, पेट के लिए ये जहर की तरह काम करता है, ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और धीरे धीरे आपके शरीर के पाचन को बिल्कुल खराब कर देगा, मोटापे को बढ़ा देगा और धीरे धीरे अनेकों बीमारियां, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। तो यदि आपको घी खाना है तो सिर्फ देशी घी खाएं, उसके साथ किसी अन्य घी या तेल का प्रयोग मिला कर ना करें। इस तरह की जो मिलावट होती है इससे बिल्कुल बचें। और बाहरी ऐसी चीज़, ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग मट्ठी इत्यादि कुछ ऐसा बनाते हैं तो करते क्या है कि उसमें देशी घी डाल दे और फिर उसे दूसरे तेल से तल दिया, या पैसे बचाने के लिए, या बड़े शादी फंक्शन में थोड़ा सा देशी घी डाल दिया और बाकी डालडा घी मिलाकर काम कर लिया। ये बिल्कुल विरुद्ध आहार है, इसके खिलाफ रहिए। अगर आपको देशी घी का प्रयोग करना है तो सिर्फ देशी घी का प्रयोग करें, और यदि आप वनस्पति का प्रयोग करें या किसी अन्य तेल का प्रयोग करें तो सिर्फ और सिर्फ उसी तेल का प्रयोग करें। कभी भी दो तरह के तेलों को आपस में मिलाकर एक साथ ना पकाएं, ये बिल्कुल दोनों की प्रकृति के विरुद्ध होता है और आपका शरीर के पाचन को मुश्किल बना देगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इष्ट मित्रों से शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।